दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र झा प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों, आज का जो प्रॉपर्टी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ये है ओमकारा ब्राइट तलोजा की प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको ये जो है प्रॉपर्टी दोस्तों पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो ये जो फ्लैट है ये एक्चुअली 2.5 BHK फ्लैट है। इसका आप लिविंग रूम का एरिया देखेगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। स्पेशियस लिविंग रूम है, बैल्कनी है, क्रॉस वेंटिलेशन फ्लैट है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, एक अच्छी प्रॉपर्टी है तलोजा में। और इसका जो पोजीशन है वो भी नियर बाय पोजीशन है। तो इसका क्या कारपेट है, क्या प्राइस है, कब पोजीशन है, क्या एमिनिटीज, सारे कुछ डिटेल जो है मैं आपको शेयर करूंगा इस प्रॉपर्टी के, इस ब्लॉग के अंदर। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, और जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा, जो भी ब्लॉग मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जो भी तलोजा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी सर्च करें, उनके लिए ये प्रॉपर्टी है। एक अफोर्डेबल सेगमेंट में, अफोर्डेबल रेट पे एक अच्छा स्पेशियस फ्लैट बड़े कारपेट के साथ में। चलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा। 3 BHK फ्लैट, 910 कारपेट, 910। आप देख सकते हैं इसका लिविंग रूम कितना स्पेशियस है, एकदम स्पेशियस लिविंग रूम है। ये जो एरिया है आपका लिविंग रूम का, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने डोर से एंट्री किया, यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ा स्पेशियस एरिया मिलता है। और ये आपका 360 डिग्री में आपको दिखा दूँ लिविंग रूम, स्पेशियस लिविंग रूम। चलते हैं किचन की तरफ। ये जो आपका एरिया, ये आपका डाइनिंग स्पेस आप बना सकते हो इसको, किचन के ठीक बगल में। ये रहा किचन, किचन का भी आप देख सकते हैं वन साइड प्लेटफॉर्म है, और अदर साइड में भी आप अपना फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। और किचन के ठीक सामने में एक मास्टर बेडरूम अटैच टॉयलेट के साथ, सामने में ये रहा अटैच टॉयलेट, और ये रहा बेडरूम। यहाँ पे फ्लावर बेड भी है। हवा आप देख सकते हैं, महसूस कर पा रहे शायद आप वीडियो में, वॉइस काफ़ी क्रॉस वेंटिलेशन फ्लैट है। तो ये रहा बेडरूम, सामने में अटैच टॉयलेट, ये रहा किचन। चलते हैं अंदर, वो साइड में जो फ्लैट है, ये रहा किड्स रूम। ये है दोस्तों किड्स रूम, यहाँ पे बच्चों के लिए आप किड्स रूम बना सकते हैं। यहाँ पे भी छोटा फ्लावर बेड है। और ये रहा सेकेंड मास्टर बेडरूम, जो कि अटैच टॉयलेट के साथ में, यहाँ पे भी फ्लावर बेड सामने में आप देख सकते हैं। ये रहा फ्लावर बेड, और ये रहा आपका बेडरूम है, जो कि अटैच टॉयलेट के साथ में। आपको यहाँ से दिखा दूँ आपको, तो इस फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो मैं बता दूँ, कि आपको एक किड्स रूम और एक बेडरूम यहाँ पे ये साइड में, और एक कॉमन वॉशरूम जो है वो यहाँ पे, और बीच में जो है बड़ा हॉल है एकदम लिविंग एरिया, और बाकी का किचन और एक मास्टर बेडरूम वहाँ पे, सब दोनों साइड में बेडरूम्स हैं। ये एक अच्छी चीज़ है जो बहुत ही कम प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगी। लिविंग रूम आप स्पेशली देख सकते हैं कितना स्पेशियस है इसमें। तो दोस्तों, अभी जैसे कि आपने देखा सैंपल फ्लैट मैंने आपको दिखाया, ये 1+1 जोड़ी फ्लैट है। 1 BHK 1 BHK दो जोड़ी फ्लैट का ये कॉन्सेप्ट है, जिसको 2.5 BHK बन जाता है। और आपने इसमें देखा होगा दोस्तों कि इसका जो लिविंग एरिया है कितना स्पेशियस बन रहा है। इसमें लिविंग एरिया के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छा इंटीरियर इसमें बना सकते हैं। बेडरूम का आपने देखा होगा वीडियो, जो किड्स रूम जो है छोटा सा 0.5 BHK का, वो आपने दिखाया। मैंने आपको सारा कुछ, मैंने इसमें फ्लैट का कैसे क्या है ये मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका कारपेट का और इसका प्राइस का।
तो इसका दोस्तों कारपेट है 930 इसका कारपेट है और यूजेबल कारपेट है ये 930। और इसका जो दोस्तों प्राइसिंग है वो तकरीबन ऑल इंक्लूसिव प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पैकेज स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पार्किंग जो भी है सारे कुछ पकड़ के ये तकरीबन जो है 82 के आसपास जाता है ऑल इंक्लूसिव प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओमकार प्राइड जो प्रॉपर्टी है जिसका भी आपने आज का ब्लॉग आप देख रहे हो इसका पोजीशन कब है, तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा टावर ए और टावर बी जो है दो टावर का पोजीशन जो है दोस्तों ये नेक्स्ट ईयर जून में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा, अप्रैल जून तक में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। इसमें टावर सी और टावर डी जो बन रहा है दोस्तों जिसका भी यूआई हमने लेना शुरू कर दिया है तो वो जो है उसका पोजीशन 2026 अगस्त या नवंबर तक में उसका पोजीशन आ जाएगा। तो ये G+14 का ये प्रोजेक्ट है, टोटल 4 टावर है इसके अंदर। तो आई होप ये फेस वन में जो भी ये टावर्स है आपको जैसे कि आपने मॉडल में देखा आपको ये पसंद आएगा, कैसा एमिनिटीज बनेगा, कैसा पूरा टाउनशिप बनेगा, सारा कुछ इसके अंदर दिखाया गया। एक अच्छा प्रोजेक्ट है तलुजा के अंदर, यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे है, खारगर यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है वो तकरीबन यहाँ से जो है आधे घंटे के ड्राइव पे है, और खारगर के अंदर जो सेंट्रल पार्क है, गोल्फ कोर्स है, इस्कॉन टेम्पल है, ये सब यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे है। तो एक अच्छा लोकेशन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब आने वाले टाइम में जो ये सब के जो रेट्स है ये काफ़ी ऊपर जाएंगे, बूस्ट होगा। तो आज एक अफोर्डेबल रेट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप जरूर लीजिए, कल को प्रॉफिट होगा ही। अगर आप रहने पर्पस देख रहे हो तो भी आने वाले 1-1.5 साल बाद वो एरिया डेवलप हो रहा है, काफ़ी डेवलप हो चुका है अभी, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज के ब्लॉग में जो है आपको दोस्तों सारी डिटेल्स मिल गए हो, बाकी डिटेल्स चाहिए तो अभी स्क्रीन के नीचे आपने मेरा नंबर देखा ही होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होपफुली जब आप साइट विजिट करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी पसंद भी आएगी। तो टावर ए और टावर बी जिसका पोजीशन नेक्स्ट ईयर है उसमें भी अभी तकरीबन फ्लैट्स ऑप्शंस है अवेलेबल, आप चूज़ करके ले सकते हो। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन पे तो आपने देखा ही होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी प्रोजेक्ट के दूसरे जो 1 BHK और 2 BHK वो फ्लैट के ब्लॉग के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में, आज के लिए बाय।